अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमारे पास एक पॉइंट गिवन है -4, -6, ये हमारे पास पॉइंट है। वो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप। अब कहता है हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि परपेंडिकुलर है उस इक्वेशन के, उस लाइन के जिसकी स्लोप हमें गिवन है। इन पॉइंट्स को आप x1 y1 कह दें। सो यहाँ लिख लें आप गिवन स्लोप इज़ -3/2। हमारे पास जो स्लोप गिवन है वो कौन सी है, -3/2 है, और एक पॉइंट भी हमें गिवन है, और हमें रिक्वायर्ड लाइन की जो है वो इक्वेशन फाइंड करनी है। और यहाँ पर वो ये भी कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो गिवन लाइन की स्लोप के परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि दो स्लोप्स परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाए, या यूँ कह सकते हैं कि दो स्लोप परपेंडिकुलर इस वक्त होती हैं जब वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हों। सो यहाँ थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्लोप ऑफ गिवन लाइन -3/2, गिवन लाइन की स्लोप -3/2 है। वी नो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, सो ये हमारे पास आ जाएगी 2/3। 2/3 हमारे पास स्लोप भी आ चुकी है, एक पॉइंट भी मौजूद है, सो हम इक्वेशन भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे तो क्या यूज करेंगे, बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या है, y-y1 इज इक्वल टू m(x-x1) y-y1 क्या है हमारे पास, y1 हमारे पास यहाँ से -6 आ रहा है, सो -±+6 हो जाएगा, इज इक्वल टू m हमारे पास है 2/3 इनटू x-x1 हमारे पास क्या है -4, सो -±+4। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा प्लस का 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x+8। थोड़ा सिंप्लीफाई से कर लेते हैं, 2x+8 -3y -18 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ चुका है, इसको अगेन रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, 2x-3y -18+8-10 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टूडेंट आ चुकी है रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमने एक लाइन की जो है इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी स्लोप है हमारे पास एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है, अब की बात जो स्लोप गिवन है वो रिक्वायर्ड लाइन के क्या है, पैरेलल है। सो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। पॉइंट हमारे पास क्या है, x, y, y1, ये हमारे पास हैं 11-5। स्लोप ऑफ गिवन लाइन की स्लोप हमारे पास है -24, और हम जानते हैं स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ये पैरेलल है गिवन लाइन की स्लोप के, तो गिवन लाइन की स्लोप हमारे पास क्या है, -24 है, तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी क्या होगी, -24 होगी, बिकॉज दो लाइंस की स्लोप आपस में क्या होती है, बराबर होती है, अगर वो एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनकी स्लोप क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, नाउ बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, वो क्या थे स्टूडेंट हमारे पास, y-y1 इज इक्वल टू m(x-x1) y एज इट आ जाएगा -x1 हमारे पास क्या है -5 है, तो -±+5 इज इक्वल टू m हमारे पास -24 आ रहा है, x- यह हमारे पास 11 है, यह आ जाएगा y+5 इज इक्वल टू -24x -±+24, ये हमारे पास आ जाएगा 251।
एक्स वाली टर्म पॉजिटिव कर लेते हैं, इस साइड पर ले आते हैं, नेगेटिव रहने दें जैसे आपको ठीक लगे। सो ये साइड पर माइनस प्लस 24x, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 24x प्लस y माइनस 2251 प्लस 5, सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 246 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। इसके क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सोल्यूशन लिखूंगा। अगर तीन वर्टिक्स हमारे पास, द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी एंड द मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। तो सुनो, यहाँ पर हमने दो चीज़ें प्रूफ करनी है। मैं ये सबसे पहले स्केच बना देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड करने में आसानी हो, उसके बाद देन उसका सोल्यूशन जो है वो लिखेंगे। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये हमारे पास ए वर्टिक्स है, इसके कोऑर्डिनेट हैं -1, 2। ये हमारे पास बी वर्टिक्स है, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6, 3। और ये हमारे पास सी वर्टिक्स है, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, -4। ये तीन वर्टिक्स हैं ट्राइंगल के। अब वो क्वेश्चन में कहता है कि ए बी का एक मिड पॉइंट है जिसको नाम दिया उन्होंने डी का, इसी तरह ए सी का भी एक मिड पॉइंट है जिसको नाम दिया उन्होंने ई का। कहते हैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, इस लाइन की स्लोप पैरेलल है बी सी के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये प्रूफ करना है कि ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है। ई और डी को मिलाने से, इनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, इसकी स्लोप ये बराबर होनी चाहिए बी सी लाइन की स्लोप के। अगर दोनों की स्लोप बराबर आ जाएगी, ये प्रूफ हो जाएगा कि डी ई लाइन पैरेलल है बी सी लाइन के। और सेकेंड वन हमने ये प्रूफ करना है डी ई इज इक्वल टू 1/2 बी सी, कि डी ई की मैग्नीट्यूड और बी सी की मैग्नीट्यूड भी आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए आइए सबसे पहले इनकी जो है ना स्लोप निकालते हैं डी ई लाइन की। तो डी ई लाइन की स्लोप निकालने के लिए हमारे पास डी के और ई के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। वो कैसे निकालेंगे? चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि डी जो है ए और बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके डी के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। सिमिलर ए और सी का मिड पॉइंट ई है, तो इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास कोई डी है, डी आ रहा है, तो एक्स वन प्लस एक्स टू यूज़ करेंगे यहाँ पर। एक्स वन हमारे पास -1 है, एक्स टू हमारे पास +6 है ओवर 2, वाई वन हमारे पास 2 आ रहा है +3/2, डी इंटू 5/2, यहाँ भी आ जाएगा 5/2। ये डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं 5/2, 5/2। अब निकालते हैं ई के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट कौन सा है? डी ई है। सो डी ई, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे हम, वही फॉर्म यूज़ करेंगे, x1 + x2/2। एक्स वन हमारे पास यहाँ पर -1 प्लस एक्स टू हमारे पास यहाँ आ रहा है 2/2, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 -4/2। सो ई इज इक्वल टू -1 + 2 + 1/2 आ जाएगा, 2 -4 - 2 - 2/2 - 1। सो ई के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 1/2 एंड -1। चलिए इसके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद डी ई स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ डी ई, डी ई की स्लोप निकालते हैं, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो 2 पॉइंट स्लोप हम यहाँ पर यूज़ करेंगे y2 - y1/x2 - x1। y2 हमारे पास यहाँ पर 1/2 है, y2 हमारे पास यहाँ आ रहा है -1, y2 -1 है, और y1 हमारे पास क्या आ रहा है -5/2/x2, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1/2, और x1 हमारे पास आ रहा है 5/2। इन कैल्शियम ले लेते हैं नोमिनेटर का, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -5/, इनका भी 2 एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 1 -5 आएगा हमारे पास, -2 - 5, ये स्टूडेंट होता है -7, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 - 5 ये आ जाएगा -4, विच इज़ इक्वल टू 7/4। ये हमारे पास आ गई डी ई साइड की स्लोप आ चुकी है। नाउ स्लोप ऑफ बी सी, बी सी की स्लोप फाइंड करेंगे, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अगर तो बी सी की स्लोप बराबर आ जाती है डी ई की स्लोप के, तो ये दोनों लाइन्स प्रूफ हो जाएंगी कि एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, वेन एवर पैरेलल नहीं होंगी। चलिए ये बी सी की स्लोप निकालते हैं। सो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम y2 - y1, y2 हमारे पास 2 आ रहा है,
वाई टू हमारे पास फोर माइनस फोर, और वाई वन हमारे पास क्या आ रहा है माइनस थ्री ओवर, एक्स टू हमारे पास टू, और एक्स वन हमारे पास माइनस सिक्स। माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन ओवर माइनस फोर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो सेवन ओवर फोर। तो यहाँ पर दूसरी साइड की स्लोप भी हमारे पास ढूंढ के आ चुकी है सेवन ओवर फोर। हेंस एम वन इज इक्वल टू एम टू, एम वन इज इक्वल टू एम टू, सो डी ई इज पैरेलल टू बी सी। चलिए ये दो चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं, अब इसका हम जो है लास्ट जो है इसे प्रूफ करते हैं। इसे मैं साथ रख लेता हूँ ताकि इसके लास्ट पार्ट को जो है वो सॉल्व करने में आसानी रहे। तो हमने लास्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करना था। नाउ वी विल प्रूफ, नाउ वी विल प्रूफ डी ई इज इक्वल टू वन बाई टू बी सी, हमने ये प्रूफ करना था। चलिए आइए डी ई की यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। डी ई की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपको आता होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाली फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक्स टू ले लेते हैं, ई के कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स टू वन बाई टू माइनस एक्स वन क्या है फाइव ओवर टू होल का स्क्वायर, प्लस वाई टू हमारे पास माइनस वन है और वाई वन हमारे पास है माइनस फाइव ओवर टू इसका स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। टू एलसीएम ले लेते हैं, यह जगह वन माइनस फाइव होल का स्क्वायर, प्लस टू एलसीएम लेंगे यह जगह माइनस टू माइनस फाइव होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, माइनस फोर ओवर टू का स्क्वायर प्लस माइनस सेवन ओवर टू का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा सिक्सटीन ओवर फोर प्लस का, और यह आ जाएगा फोर्टी नाइन ओवर फोर स्क्वायर रूट। फोर एलसीएम ले लेते हैं, सिक्सटीन प्लस फोर्टी नाइन सो सिक्सटी फाइव स्क्वायर रूट ओवर टू, ये हमारे पास आ चुका है मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, सो बी सी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ये सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास और दिस वन इज बी, इनके कोऑर्डिनेट को हम यूज़ करेंगे। एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू हमारे पास टू है माइनस एक्स वन हमारे पास सिक्स है स्क्वेयर, प्लस वाई वन मैं थोड़ा सा फोल्ड करके रख लेता हूँ, एक्स टू एक्स वन भी यूज़ किया, एक्स वाई टू हमारे पास माइनस फोर है माइनस वाई वन हमारे पास माइनस थ्री है होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा माइनस फोर स्क्वायर प्लस माइनस सेवन स्क्वायर सिक्सटीन होल स्क्वायर रूट, सिक्सटीन प्लस फोर्टी नाइन स्क्वायर रूट सिक्सटी फाइव स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर सुन हमारे पास बी कितना आ चुका है, सॉरी बी सी मैग्नीट्यूड सिक्सटी फाइव। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करें क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में वो कहता है डी ई इज इक्वल टू वन बाई टू बी सी, यानी डी ई की जो वैल्यू है वो बी सी के हाफ के बराबर है। तो यहाँ देखें BC की वैल्यू आई है हमारे पास स्क्वायर रूट 65 और इसका हाफ कर दें, अगर डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ये वैल्यू बनती है DE की। हेंस DE मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 बाय 2 BC मैग्नीट्यूड प्रूफ। उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।